subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से कैंकर पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सबसे ज्यादा अगर पंप से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व से, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर कैरेक्टरिस्टिक कर्व की समझ में नहीं आती, कैसे क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे पंप में एम्प्लीफिकेशन इसे करते हैं। तो आज हम इसी वीडियो पर लेकर आए हैं कि कैसे किया जाता है पंप के और कौन कौन सा रिलेशन में किस टाइप से वर्क करता है। आज मैं आपको इस तरीके से एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड जोड़ के इसके बताऊंगा ताकि आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप सोचेंगे एक्चुअल में वही होता है यहाँ पर, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से इसको। तो जैसा हम जानते हैं पंप की कैरेक्टरिस्टिक कर्व तीन रिलेशन को फॉलो करती है। जैसे किसकी किसकी देख लेते हैं हम। जो हमारा दो एक चीज तो कॉमन होगा, चलिए यहाँ बताता हूँ मैं। एक तो फ्लोरेट सबके साथ कॉमन होगा हमारा। इसके साथ किस किस का होगा फ्लोरेट वर्सेस जो हमारा ग्राफ होगा? एक तो हमारा होगा प्रेशर हेड, इसके बीच हम एक रिलेशन देखेंगे। दूसरा जो रिलेशन देखेंगे हम फ्लोरेट वर्सेस हमने देखेंगे पावर कंजम्पशन कितना होगा उसके बीच हमने देखेंगे। तीसरा जो हम देखेंगे फ्लोरेट वर्सेस हम देखेंगे इफिशियंसी, फ्लोरेट और इफिशियंसी, इन तीन चीजों पे हम प्लॉट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्किंग करती है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, बाद में हम इसको मर्ज करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम एक एक करके पहले बताते हैं। पहले हम बात कर लें फ्लोरेट और प्रेशर हेड की, ठीक। उसके पहले मैं आपको पंप की फिगर दिखा दूं ताकि आपको एक्चुअल दिखे। यहाँ पर एक्चुअल मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप परेशान ना हो उसके लिए। ये हम सेंट्रीफ्यूगल पंप बना रहे हैं, ये हमारा सम्प है। यहाँ पर हमारा एक वाल्व लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ हमारा, ठीक। ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, फिगर आपको ज्यादा अभी नहीं यहाँ देखना, बस इक्विपमेंट देखना है। ये हमारा इंपेलर होता है, ये आप जानते ही हैं, इंपेलर के ब्लेड्स हैं ये। ये हमारा सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारी केसिंग होती है। मैंने पंप पे वीडियो बना रखा, अगर आपको बेसिक चीज नहीं पता तो पंप का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए। ये हमारा एक वाल्व लगा होता है, डिलीवरी वाल्व जिसे बोलते हैं, और यहाँ डिलीवरी पाइप हमारी, ठीक। ये इंपेलर होता है, इंपेलर, ठीक। देखिए हम पहले किस पे ड्रा करेंगे, फ्लोरेट और प्रेशर हेड पे बात करेंगे। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, फ्लोरेट को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम किसके बीच कर रहे हैं प्रेशर हेड, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए पंप मैंने स्टार्ट कर दिया है, इनिशियल कंडीशन में पंप मैंने स्टार्ट कर दिया है और वॉल्व क्लोज है, ठीक। पंप मैंने स्टार्ट कर दिया और वॉल्व क्लोज है, तो जो इस पॉइंट पर होगा, पंप स्टार्ट है, पंप चल रहा है, इंपेलर मूव कर रहा है, फ्लो दे रहा है, लेकिन यहाँ वॉल्व बंद होने के कारण क्या हो रहा है कि फ्लो आगे नहीं जा पा रहा है। मतलब ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर होगा लेकिन फ्लो तो मिल नहीं रहा है। तो फ्लो की जो चार्ट है, यहाँ पर हमारा फ्लो जीरो मिल रहा है, लेकिन जो प्रेशर वो हमें मैक्सिमम मिल रहा है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर मिल रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सट ऑफ प्रेशर। जिस पॉइंट पर हमारा प्रेशर मैक्सिमम होता है और फ्लो हमारी जीरो होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं सट ऑफ प्रेशर। आपने क्या देखा होगा, चलिए मैं पहले बता दूंगा फिर एग्जांपल आपको दूंगा तो समझ में आएगा। अब क्या होगा, हम वॉल को धीरे धीरे खोलें, जैसे वॉल को धीरे धीरे खोलेंगे हमें फ्लो मिलना स्टार्ट हो गया। वॉल बंद थी तो हमारे पास कोई फ्लो नहीं मिल रहा था, सिर्फ प्रेशर मैक्सिमम थी इस पॉइंट पे। जैसे जैसे हमने वॉल खोलना स्टार्ट किया तो क्या होगा, फ्लो जाएगा, तो फ्लो जैसे जैसे मिलेगा हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा, इस टाइप से हमारा कुछ करवाएगा। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं ये कैसे हो रहा है। मान लीजिए जो हम गमलों में अपने पेड़ पौधों में पानी डालते हैं पाइप के थ्रू, अगर आपने वहां से टोटी हमने ऑन कर दी, वहां से पानी आ रहा और उसको पाइप को लास्ट एंड को हमने इसे बंद कर दिया, पकड़ के रखा, जैसे हम लोग घर पे करते हैं कभी कभी, बंद कर दिया, तो क्या होगा, उस पॉइंट पे तो प्रेशर हमारी मैक्सिमम थी लेकिन फ्लो नहीं मिलेगी। तो प्रेशर मैक्सिमम थी
और फ्लो हमारी जीरो थी। क्या करें, धीरे धीरे पाइप को खोलेंगे, धीरे धीरे पाइप को खोलते हैं, क्या होता है पाइप पानी बहुत तेज से निकलती है, पानी बहुत तेज से निकलेगी, लेकिन क्या होगा जब हम पूरा पाइप खोल देते हैं तो देखते हो प्रेशर कम हो जाता है, बस हमें फ्लो मिलता है। तो यही यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें बस फ्लो मिल रहा है टाइम के साथ, लेकिन प्रेशर की वैल्यू तो हमारी डिक्रीज होती जा रही है। ये हमारा पहला रिलेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी चीज़ है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा फ्लो और पावर कंजम्पशन का, देखते हैं दूसरा हम प्लॉट करें। दूसरा हम बात करेंगे, ये पावर का ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने पावर को ले लिया और एक्स एक्सिस पे हम फ्लो रेट को लेंगे, फ्लो रेट को लेंगे, फ्लो रेट को क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात क्या करते हैं पावर कंजम्पशन की। हमने अगर पंप की वीडियो आपने पढ़ी है तो आपने क्या पढ़ा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिस्चार्ज वाल हमेशा बंद करके चलाई जाती है। अब इसका रीजन ये है क्यों चलाई जाती है, क्योंकि अगर आप अचानक सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिस्चार्ज वाल पूरा खोल देंगे तो पंप पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ जाता है, टॉर्क बढ़ेगा तो पंप हमारी ट्रिप होने की चांस होती है। इसलिए पंप को चलाते समय हमेशा धीरे धीरे डिस्चार्ज वाल को खोला जाता है, जिससे जो हमारा पावर कंजम्पशन है धीरे धीरे इंक्रीज हो, अचानक से इंक्रीज होगा तो पंप ट्रिप होने के चांस है। ठीक, आज हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। क्या था कि हमने पंप को स्टार्ट कर दिया, ठीक, पंप को स्टार्ट कर दिया तो इनिशियल कंडीशन में जब हमारा डिस्चार्ज वाल्व बंद था तो कुछ कोई मिनिमम प्रेशर, मिनिमम हमारा पावर कंजम्पशन हो रहा था, मतलब जब डिस्चार्ज वाल्व था तो फ्लो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो थोड़ा कंजम्पशन हमारा बहुत थोड़ा था पावर का। लेकिन हमने क्या किया, जब डिस्चार्ज वाल्व को हमने ओपन किया तो फ्लो, हमें फ्लो मिलने लगा, और जैसे जैसे फ्लो मिलेगा हमारी पावर कंजम्पशन भी तो ज़्यादा होगी। जैसे हम फैन का एग्जांपल लें, फैन हमारा हम एक नंबर पे चलाते हैं तो धीरे धीरे चलता है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम वहाँ पर यूज होती है। लेकिन जब हम उसे पाँच नंबर पर चलाने लगते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज जब फैन मूव करती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने लगती है। इससे क्या पता चलता है कि जब हमने इनिशियल कंडीशन में डिस्चार्ज वाल्व को बंद रखा था तो हमारा जो पंप का पावर था वो बहुत कम ले रहा था, लेकिन जब हमने वाल्व को खोल दिया तो हमारा पावर बढ़ता गया। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे जैसे हमें फ्लो मिलता गया हमारा पावर भी बढ़ता गया। देखिए फ्लो इस पॉइंट पे इतना था पावर, अब फ्लो जब इतना आया तो पावर हमारा बढ़ गया। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हमारा फ्लो बढ़ता जाएगा हमारा पावर कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। ये भी आपको क्लियर होगा, ये जो हमारा कर्व था ये किसके किसके बीच था, फ्लो रेट वर्सेस हमारे प्रेशर हेड बोल सकते हैं आप, प्रेशर हेड के बीच था, ये हमारा किसके था, फ्लो रेट वर्सेस पावर के बीच था हमारा। अब हमारा तीसरा क्या आता है, फ्लो रेट वर्सेस इफिशियंसी की बात आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा। एक साइड से मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फ्लो रेट और इफिशियंसी की अब हम बात करेंगे। हमने एक्स एक्सिस पे फ्लो रेट ले लिया, फिर से फ्लो रेट हमने ले लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया, इफिशियंसी, इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं, और ये हमारा फ्लो रेट है। हम क्या जानते हैं फ्लो रेट के बारे में कि जैसे इफिशियंसी, क्या बताऊँ, हर पंप की एक कंडीशन होती है कि इस फ्लो रेट पे अगर आप उसको चलाएंगे तो मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। जैसे हम एग्जांपल किसी चीज़ का लें, जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने में एक इकोनॉमी कंडीशन होती है, एक ग्रीन सिग्नल होता है एक रेड सिग्नल होता है, कि अगर 40 से 60 के बीच आप चलाएंगे या 60 से 80 के बीच चलाएंगे तो आपको मैक्सिमम माइलेज हो देगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं तो एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज होती जाती है। सेम इस तरह यहाँ पंप में हम एम्प्लीफाई करेंगे, क्या होगा कि जब हमारा पंप, अगर यहाँ पर हमने देखा, मान लेते हैं यहाँ पर 5 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो रेट दे रहा, यहाँ 10 मीटर क्यूब पर आवर, यहाँ 20 मीटर क्यूब पर आवर, अगर पंप की कंडीशन ऐसी है कि हम उसे 15 पे चलाते हैं, 15 मीटर क्यूब पर आवर पे चलाते हैं, हमें मैक्सिमम इफिशियंसी देता है, लेकिन उससे जैसे ऊपर जाते हैं फिर इफिशियंसी कम होती है। तो 15 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर लें, जब हम इनिशियल चलाते हैं तो हमारी इफिशियंसी 15 तक मैक्सिमम आती है, और जैसे ही उससे ऊपर हम फ्लो रेट बढ़ाते हैं, जैसे हम उससे ज़्यादा फ्लो बढ़ाते हैं, हमारी इफिशियंसी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट, मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट इसको बोलते हैं, कि ये पॉइंट ऐसा है जिसपे वो जो पंप है वो मैक्सिमम फ्लो देगा, लेकिन उससे जैसे ही ज़्यादा हम फ्लो बढ़ाएंगे तो हमारी इफिशियंसी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी।
ये हमारे तीनों कर्व के स्ट्रक्चर थे। अब हम एक में मर्ज करके आपको समझाते हैं कि कैसे हुआ था, आपको कैसे इंटरव्यू में इसको बताना है। अगर आप इस तरीके से इंटरव्यू में बताते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मैं भी एक बार आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा कि कैसे हो रहा है यहाँ पर, आप टेंशन मत लें। हिंदी बोर्ड के बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि सर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक कर्म में क्या हो रहे हैं, तो आप चिंता मत करें, मैं पूरा आपको बताऊंगा। लीजिए अब मैं बड़ा सा आपको बताऊंगा। इस पॉइंट जो एक्स एक्सिस है उस पर हम क्या लेंगे, फ्लो रेट, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वाई एक्सिस पे उसमें हम तीन पॉइंट लेंगे, मैंने क्या बताया था, एक हेड लेंगे प्रेशर हेड, दूसरा हम क्या लेंगे पावर, तीसरा हम क्या ले रहे हैं इफिशियंसी, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने पहले वाले हेड वाले की बात की थी तो जब हमने इनिशियल में देखा था तो कोई फ्लो में नहीं मिला था, जीरो था, और लेकिन उस टाइम पे प्रेशर मार मैक्सिमम था। तो उसके बाद क्या, जब वॉल हमने धीरे धीरे खोला तो फ्लो रेट मिलने के साथ साथ हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। ये हमारा पहला वाला ग्राफ हो गया, ठीक। किसके किसके बीच में था, ये हमारा क्यू वर्सेज हमारा हेड के बीच में था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेकेंड वाले बात करें पावर वाले के, पावर में हमने क्या बताया था, जैसे ही फैन को हम और तेज से चलाना स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन ज़्यादा होते हैं। सेम पंप में जैसे इनिशियल कंडीशन में जब डिस्चार्ज वाल्व बंद होता तो हमें थोड़ा सा हमारी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी खर्च हो रही थी, पावर थोड़ा सा खर्च हो रहा था, लेकिन जब हम वाल्व को खोलते हैं डिस्चार्ज वाल्व को तो हमारा क्या पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता रहता है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे हमारा फ्लो रेट बढ़ता जाएगा हमारी पावर कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। सेम ये हमारा था, ये दूसरे नंबर का हमारा ग्राफ था, किसके किसके बीच में, फ्लो रेट वर्सेस पावर के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। तीसरा मैं बात करूँगा इफिशियंसी का। मैंने क्या बताया था, बाइक का एग्जांपल आप ले लीजिए कि 60 से 80 जो मैंने बताया उसमें बेहतर माइलेज हमें देती है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज हम अगर चलाते हैं, ज़्यादा स्पीड बढ़ाते हैं तो इफिशियंसी हमारी कम होती है। तो पंप के लिए मैंने क्या बताया था, मान लो कि यहाँ पर हमारा 10 मीटर क्यूब पर आवर दे रहा फ्लो, यहाँ 15 दे रहा है, यहाँ 20, यहाँ 25, मान लेते हैं 20 पे हमारी मैक्सिमम देती है वो, ठीक, और उसको ऊपर बढ़ने पे फ्लो हमारी इफिशियंसी डाउन होती है। तो यहाँ से एक पॉइंट ड्रा मैंने कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ तक तो हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे इससे ज़्यादा हमने इफिशियंसी लेने की कोशिश की हमारा इफिशियंसी डाउन होना स्टार्ट हो गया। ये तीसरे नंबर का था, किसके बीच, क्यू वर्सेस हमारा इफिशियंसी ईटा के बीच हमारा था। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, जो बिल्कुल बेसिक पहले वाले का आप एग्जांपल कैसे याद रख सकते हैं, वाटर वाली पाइप से जिससे हम खेतों में या फूलों में पानी डालते हैं उससे आप याद कर सकते हैं। दूसरा वाला आप याद कैसे कर सकते हैं, पावर कंजम्पशन फैन से याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है। तीसरा आप कैसे याद कर सकते हैं, बाइक से याद कर सकते हैं, और मैंने पंप के थ्रू भी बता दिया आपको कैसे याद करना, जो आपको सही लगे उसके थ्रू आप याद करके समझ के बताएं ताकि आपको कभी भूले ना। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।